और भाई लोग क्या हालचाल, आ चुके एक और नए वीडियो के साथ वापस। तो भी मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बट जो बंदे स्ट्रीम में आए होंगे उनको तो ये इन्फॉर्मेशन पता ही होगी, बट जिनको नहीं पता उनको मैं दे रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी है कि हम संडे को करेंगे लाइव स्ट्रीम और वेडनेसडे को डालेंगे गेम प्लेस एंड यार हम अपना सैटरडे को डालेंगे मोन्टाज, ठीक है। तो भाई तीनों दिन आप लोग बस आते रहना भाई और सपोर्ट करते रहना अपने भाई को, ठीक है। तो भी वीडियो में बने रहना, मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन है वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में, तो यार वीडियो पूरी देखना आप लोग। तो अभी हम लोग आ चुके थे ओल्ड बेसिन और यहाँ पे बंदे भी आ चुके थे, तो अभी हमारे ऊपर की तरफ भी बंदे थे और ये बग्गी भी आ रही थी, तो यार अभी यहाँ पे सही थर्ड पार्टी होने वाली थी। तो भाई अभी देखना यार हम लोग क्या करने वाले है। तो अभी जो ऊपर वाला बंदा था उसने हम पे रश कर दिया, तो भाई मेरे टीममेट ने मार दिया उसको, तो हमारा किल ले लिया था। ओ भाई कैसा लगा मेरी उजी का सरप्राइज। तो अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या हुआ, ये बंदा आया, ये वही बग्गी वाला था, तो ये बैठ गया भाई इधर, तो यार इसने सही कैंपिंग कर दी, तो भी भाई इसको तो मारना जरूरी था। और यार ये दो बोट हमको और मिल गए यार, इनका किल सबसे पहले लेंगे हम लोग, क्योंकि और किल बाद में पर बोट का किल सबसे पहले। तो यहाँ से गाड़ी उठा के हम लोग निकलते हैं अपार्टमेंट की तरफ, बट भाई उधर तो हमने सोचा था कि जाएंगे और बंदों की पेटियां बनाएंगे, बट वहां पे तो सीन ही कुछ अलग हो गया। और यहाँ पे तो अत्ते ही गोलियों के साथ स्वागत हो चुका है हमारा। तो भी बंदे का खो रहा, तो भाई लोग हमने खोल दिया है, तो अभी इसके टीममेट का भी हमको खोलना है, बट यार वो खुल नहीं पाएगा क्योंकि यार उसमें पैच कस के बंद रहते। तो भाई लोग अभी इधर रस हो चुका है, तो यार भाई मेरे साथ एकदम ना गंदे वाला मजाक होने वाला है इधर। तो मेरे टीममेट के सिर पे तो आरपीजी फोड़ दी और भाई मैं डरपोक भाई अंदर आ गया घुस के, ठीक है। तो अभी इधर 1v2 सिचुएशन हो चुकी थी, तो भाई मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर ओल्ड बोल रहा हूँ होल्ड किया जाए, और यार भाई फिर मुझे भागना ही पड़ा इधर से। तो भी मैंने गाड़ी उठा गया भाई सब तो पहले निकल लिया इधर तक, तो अभी यार एक बोट भी मुझे परेशान करेगा तो उसे भी टपकाऊंगा। तो इस बोट को टपकाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना यार होल्ड कर लूं भाई, क्या पता एक दो बंदा भाई नॉक हो ही जाए तो फिर रश कर दूंगा। बट ऐसा होता नहीं, यो काम मेरे पे ही उल्टा भारी पड़ गया भाई, बंदे ने आरपीजी फोड़ दी मुंह पे। तो अभी सबसे पहले भाई मुझे इधर से निकलना था, तो भाई यूएस उठाई और सबसे पहली फुर्सत में इधर आके कवर में बैठ गया मैं। तो ये बोट भी हमको परेशान नहीं दे रहा था। और अभी मैं बता दूं नीचे दो बंदे और थे इस घर में, तो भाई और सिचुएशन ना बहुत ही टाइट हो चुकी थी, और ऊपर भी बंदे थे, तो यार सबके पास आज आरपीजी हो रही थी भाई, आरपीजी फोड़े जा रहे थे और मेरे पास हेल्थ तो कतई नहीं थी। और मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ जो मैं बता रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि मैंने पबजी मोबाइल क्या डाउनलोड कर लिया, भले देरी से सही बट मैंने डाउनलोड कर लिया। तो अभी ये बताओ आपको गेम प्ले कौन से मैप के चाहिए, लीव के, लिविक के, फिर इरेंगल के, ठीक है। तो अभी दोनों मैप में अभी हम लोग तबाही मचाएंगे, तो बस आप लोग कमेंट कर देना और कमेंट करके ये बता देना वीडियो कैसी आज की। तो इस बंदे खोपरा दिख रहा था वो भी टपकाएंगे यार। तो मेरे ऊपर ये डेवलप वाला बंदा आ चुका था, तो भाई मैंने सोचा क्यों ना अभी गाड़ी के द्वारा इधर आके कवर में लिया जाए, बट ये गाड़ी भी भाई कुछ कवर की नहीं थी क्योंकि नीचे भी बंदे थे और ऊपर भी बंदे थे, तो भाई अभी सिचुएशन बहुत ही टाइट हो चुकी थी। Enemy. Enemy down.
ओके टाटा बाय बाय खत्म हो गया काम। तो भी इन्हें मुन्ना भाई ऊपर से उछलता कूदता आया भाई मेरे आगे और M4+6X के स्प्रे में मर गया। तो भी सीन क्या था, लास्ट जोन हमारा बन चुका था और जो नीचे वाला बंदा था वो भी ऊपर आ चुका था। तो भी ऊपर वाले बंदों ने हालत खस्ता कर दी थी तो अभी उनका भी बदला ले जाएगा। तो भी वो बंदा ऊपर टपक के नीचे गिर गया भाई, मैं नहीं समझ में नहीं आया कुक करने हुआ। तो सिचुएशन इंटेंस हो चुका है 1v1 में, अभी देखते हैं भाई क्या होगा, साइलेंट आर्मी मार देगा या फिर अगले वाला बंदा हमको मार देगा। तो सामने वाले बंदे के हाइपिंग की वजह से हमारा पोपट हो गया। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे गाइस अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।